भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह अब करेंगे धमाका। जी हाँ, आपने देखा होगा पूरे सावन पवन सिंह के सिर्फ चार बोलबम के गीत आए और वो चारों एक इससे बढ़कर एक थे और महादेव का दीवाना की तो बात ही छोड़ दीजिए। और पूरे सावन के महीने में पवन सिंह ने मेंटेन किया कि उनका कोई भी अलग से सॉन्ग ना आए, ना ही कोई उनका अलग से फिल्म का सॉन्ग आए। जैसे कि घातक की फिल्म के सॉन्ग रिलीज़ किए जाने थे लेकिन उन्हें डिले किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सावन के बाद ही आएंगे। सावन के महीने को पाक पवित्र मानते हैं पवन सिंह और इसलिए उस महीने में उन्होंने यही सोचा कि ऐसा कोई भी गाना नहीं आएगा। और अब जो खबर आ रही है वो बैक टू बैक ऐसा बताया जा रहा है कि पवन सिंह के 10 ऐसे गाने हैं जो तैयार हो चुके हैं और बैक टू बैक रिलीज़ होंगे। और आपको ये भी बता दें पहले कौन सा रिलीज़ होगा। जी हाँ, आप सभी जानना चाहते होंगे कि पहले कौन सा रिलीज़ होगा। हमने तो आपको कह भी दिया था कि 4 तारीख को राजस्थानी घाघरा रिलीज़ हो जाएगा, फिर कुछ लोगों ने ये भी बीच में अफवाह फैला दी कि राजस्थानी घाघरा में रानी चटर्जी नज़र आएंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, राजस्थानी घाघरा रिलीज़ होने वाला था 4 तारीख को, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि उसमें थोड़ा डिले होगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं। लेकिन राजस्थानी घाघरा की जगह पर कौन सा गाना आएगा, जो कि पवन सिंह के 3 से 4 गाने एकदम रेडी हैं। अगर पवन सिंह चाहे तो उनके ऑडियो रिलीज़ कर दें, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हर जगह होती हैं क्योंकि आजकल जो कॉपीराइट फेक का जो फैशन चला है, जी हाँ आप इसे फैशन ही कहेंगे, ये जो फैशन चला है इस फैशन के ट्रेंड को पवन सिंह बड़े बखूबी से समझ चुके हैं क्योंकि आए दिन कोई ना कोई फेक कॉपीराइट क्लेम करके कुछ न कुछ बड़े सिंगरों को जो उनकी ऑडियंस है उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके वजह से पवन सिंह इन सब सारी चीज़ों से पहले ही डील कर ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये भोजपुरी के हर बड़े एक्टर को करना चाहिए जो कि इस तरह के सरकम चांसेस होते हैं बाद में आए भाई ये मेरा गाना है वो मेरा गाना है करने के लिए। अब जो गाना आ रहा है वो अनटाइटल गाना है। जी हाँ, अभी मीडिया में भी इसे लीक नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही होगी लोगों के बीच, अभी तक ये इसे मीडिया में भी रिलीज़ नहीं किया गया। 4 तारीख को कोई ना कोई गाना रिलीज़ होगा, लेकिन वो कौन सा गाना रिलीज़ होगा जिसके लिए लोग बेताब हैं सुनने के लिए। लोगों का कहना है, हो सकता है कि प्रियंका सिंह के साथ जो लोकगीत है वही रिलीज़ हो जाए, लेकिन लोकगीत अभी रिलीज़ नहीं हो रहा है। आपको बता दें, जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकगीत रिलीज़ हो जाएगा, लोकगीत अभी रिलीज़ नहीं हो रहा है, लोकगीत थोड़े दिनों बाद रिलीज़ होगा, राजस्थानी घाघरा से पहले रिलीज़ हो सकता है। और राजस्थानी घाघरा भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त के पहले पवन सिंह का एक देशभक्ति सॉन्ग भी आएगा, जी हाँ, जो कि काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, वो जो कि हर साल लेकर आते हैं पवन सिंह, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन जो गाना आएगा वो गाना किस तरह का होगा, तो आपको ये बता दें कि 3 या 4 गानों की ऐसी बातें चल रही हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन यही कॉपीराइट का जो वो होता है वो सारा प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने के बाद ज़रूर आ जाएगा। तो आप कितना वेट कर रहे हैं इन गानों का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।